खबर बिहार के किशनगंज से, जहां निषाद विकास संघ बस यात्रा लेकर किशनगंज पहुंचे। आपको बता दें कि निषाद विकास संघ पिछले 4 वर्षों से बिहार में बंगाल के तर्ज पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो वहीं निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का किशनगंज में संघ के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। श्री सहनी ने बताया कि 32वां जिला किशनगंज है और 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 लाख निषाद परिवार पूरे बिहार से आने की उम्मीद है। तथा सरकार हमारी मांग पूरी नहीं की तो पटना के गांधी मैदान से ही नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे और बिहार के 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। पूरे बिहार में हमारा रथ यात्रा निकला हुआ है, निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। देश एक है, संविधान एक है, फिर वहाँ पे निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आप देखेंगे तो बगल में बंगाल है, वहाँ पे निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है SC का, और अब बिहार में हम अभी खड़े हैं, बैठे हैं, यहाँ पे SC का आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में संगठन के दौर से हम लोग रथ यात्रा के माध्यम से निकाले। आज ये 32वां जिला है जो यहाँ पे किशनगंज हम पहुंचे कि समाज के बीच में कि आप अपने अधिकार के लिए जागरूक हो, अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए और आपस में भाईचारा बनाए रखे और साथ में अपने अधिकार के लिए जागरूक हो। 2015 में देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम आपके समाज को आने वाले समय में आरक्षण देंगे, ये आपका अधिकार बनता है और मेरा फर्ज बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी अपना फर्ज को भूल रहे। तो हम लोग पूरे बिहार में संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे कि समाज को जल्द से जल्द आरक्षण दे, नहीं तो 2019 में हम लोग देश के सत्ता परिवर्तन में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग विरोध में उतरेंगे देश के मोदी सरकार के विपक्ष में। 4 नवम्बर को पटना के गांधी मैदान में निषाद महारैला का आयोजन किया गया है, जहां पूरे बिहार से निषाद 10 लाख परिवार वहां पर उपस्थित होंगे, अपने ताकत का एहसास कराएंगे और खास करके वहां पे 4 नवंबर को ही एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम का निर्माण होगा जो पूरे बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग आने वाले समय